सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज़ की नई क्लास से नया वीडियो लेकर। अगर आपने हमारी अकाउंटिंग सीरीज़ की पिछली क्लास देखी थी तो आपको पता होगा पिछली क्लास में हम टैली प्राइम का एक असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे। अगर आपको याद हो या आपने वीडियो देखा होगा तो ये असाइनमेंट था जिसकी हमने पिछली क्लास में प्रोडक्ट्स आइटम्स बना लिए थे और इसके आइटम्स को बनाने के साथ साथ हमने पहले की 10 एंट्रियाँ कम्प्लीट कर ली थी। आज की इस क्लास में हम आगे की 10 इंचियाँ कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहाँ पे देख लीजिए। क्योंकि डायरेक्टली आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी पिछली क्लास में हमने जितने भी आइटम्स थे, GST सेटिंग्स जो भी थी, जो इंपॉर्टेंट लेजर्स थे, वो हम सारे पहले ही बना चुके हैं। इसीलिए आज हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली एंट्रियाँ पास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 11वीं एंट्री की, ऑनर टुक 50,000 कैश फ्रॉम फर्म फॉर पर्सनल एक्सपेंस। अगर हमें इस एंट्री को पास करना होगा, ऑनर ने क्या किया है, 50,000 रुपये कैश लिया है फर्म से अपने पर्सनल खर्चे के लिए। तो ये ड्राइंग में जाएगी एंट्री, यानी हम इसको पेमेंट में डालेंगे जहाँ पे फर्म अपने ऑनर को 50,000 रुपये पेमेंट करेगा। कैसे पास करेंगे इस एंट्री को, चलिए पास करते हैं। तो यहाँ से मैं उसी कंपनी को मैंने ओपन किया, असाइनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने इसी कंपनी को क्रिएट किया था और पिछली क्लास में मैंने अब जो एंट्रियाँ पास की थी वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें पेमेंट करना है ऑनर को। तो यहाँ से सबसे पहले हम चेंज मोड पे जाएंगे और यहाँ से डबल मोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे ड्राइंग की एंट्री। तो ड्राइंग का हम लेज़र बना लेते हैं। ड्राइंग इसका अंडर ग्रुप कैपिटल रखेंगे और 50,000 रुपये हमें देना है, तो यहाँ से हम 50,000 रुपये एंटर करेंगे। इसके बाद टी दबाएंगे, टू करेंगे और यहाँ से हम कैश सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल लेकर के सेव करा देंगे। दैट्स इट, है ना, बहुत ही आसान एंट्री। चलिए अगली एंट्री को देखते हैं हम। तो 12वीं एंट्री है, फर्म ने परचेज की है 5,000 ACC बैग्स एंड 1,000 JP वाइट सीमेंट बैग्स एंड 1,000 बैग्स JK वॉल पुट्टी फ्रॉम राजू ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। अब राजू ट्रेडर्स से आपको उधार खरीदना है ये सारा सामान, तो चलिए खरीद लेते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे परचेज पे, तो मैं करता हूँ परचेज सेलेक्ट एंड देन इसके बाद यहाँ से हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, एंटर प्रेस करते हुए। अब आपको यहाँ से डालना है राजू ट्रेडर्स। चलिए यहाँ पे राजू ट्रेडर्स बनाया हुआ था, मैं अगर देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं राजू ट्रेडर्स डायरेक्टली डाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और यहाँ से मैं एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें परचेज करना है AC सीमेंट। कितना परचेज करना है, 5,000 बैग्स, एंटर प्रेस कर दीजिए, आ जाएगा। इसके बाद क्या था, JP वाइट सीमेंट था, एंटर प्रेस कर दीजिए। कितना सेलेक्ट खरीदना था देख लेते हैं, JP वाइट सीमेंट 1,000, तो यहाँ से 1,000 ही डालेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे फिर से। अब यहाँ से JK वॉल पुट्टी है आपकी, ये भी हमें 1,000 ही खरीदना है, एंटर प्रेस करके आगे बढ़िए और एक बार और एंटर प्रेस करिए। आई दबाइए, इनपुट CGST, ये रहा आपका, फिर एंटर प्रेस करिए, फिर आई दबाइए और इनपुट SGST। इतना प्रेस करेंगे और आपकी ये एंट्री बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आप चाहें तो आप इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं, मैं कंट्रोल ही करके सेव करा दूंगा। अगली एंट्री अगर हमें देखनी होगी तो अगली एंट्री 13वीं एंट्री है। फर्म ने इस बार बेचा है 4,500 AC सीमेंट, 900 JP वाइट सीमेंट और 400 JK वॉल पुट्टी टू सुमित ट्रेडर्स, अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, और बाद में ये पैसा उठाकर राजू ट्रेडर्स को दे देना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले आप इतनी एंट्री पास कर लीजिए यहाँ तक, फिर जो भी पैसा आएगा बाद में हम राजू को दे देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सेल पे जाना है। ठीक है, अब हमें अगर पैसा मिल रहा है तो कैश या बैंक किस रूप में मिल रहा है, चलिए चेक करते हैं। रिसीव्ड बाय कैश, तो हम यहां से कैश डालेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको पार्टी का नाम ही सिलेक्ट करना है, जिस भी पार्टी को आप माल बेचेंगे। एक बार देख लेते हैं पार्टी का नाम क्या था, सुमित ट्रेडर्स। क्या यहां पे सुमित ट्रेडर्स बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो बना लेते हैं। क्रेट पे जाइए, संडी डेप्टर हो गए, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए, सेल कर दीजिए। अब आपको ACC सीमेंट बेचना है 4,500, इसके बाद आपको बेचना है और 900 वाइट सीमेंट,
और इसके बाद आपका जेके वॉल पुट्टी कितना बेचना है एक बार देख लेते हैं। 450 है, आई गेस 400 है। फिर एक बार इंटरप्रेस करिए, इंटरप्रेस करिए और एक बार और इंटरप्रेस करिए। अब यहाँ से आउटपुट के लिए वो दबाइए CGST, इंटरप्रेस करिए, फिर वो दबाइए SGST, इंटर कर दीजिए। अब टोटल आया आपका 29,06,880 रुपये। ध्यान रखिए जितना भी पैसा आप रिसीव करोगे ये पैसा उठा के आपको राजू ट्रेडर्स को देना है। इसी एंट्री में आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, कह रहा है ऑल मनी गिवन टू राजू ट्रेडर्स, ये सारा का सारा पैसा हमें राजू ट्रेडर्स को दे देना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अमाउंट देख लेंगे 29,06,880 रुपये। एक बार कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। इसके बाद तुरंत पेमेंट पे जाइए और यहाँ से आपको किससे देना था, तो हमें देना था राजू ट्रेडर्स को, ठीक है। कितना देना है, 29,08,680 रुपये, ठीक है। इंटरप्रेस कर दीजिए, अगेंस्ट रेफरेंस पे जाइए और जो पहले वाला बिल था उसी को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इंटरप्रेस कर दीजिए और कैश यहाँ पे, चूँकि कैश के रूप में हम पेमेंट देने वाले हैं, कैश सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए। तो जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है आप बाद में आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम 14वीं एंट्री में देखेंगे, फर्म परचेज्ड बिल्डिंग ऑफ 1 लाख एंड सोल्ड लैंड ऑफ 30,000। 1 लाख की बिल्डिंग खरीदेंगे, 30,000 की लैंड बेचेंगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, क्योंकि जो चीज़ खरीद रहे हैं वो 1 लाख की है, जो जा रहा है वो 30,000 का है। तो 70,000 रुपये और आपके जेब से जाना है, तो इसे पेमेंट में डालेंगे हम। यहाँ से हम पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, F5 कर सकते हैं या फिर पेमेंट सेलेक्टेड है आपका। अब यहाँ से आपको बिल्डिंग खरीदना है तो B करके बिल्डिंग 1 लाख, इंटरप्रेस कर दीजिए। 2 में लैंड डालिए पहले अगर है तो, नहीं तो बना लीजिए। फिक्स्ड एसेट्स कंट्रोल ले करके सेव कराइए। एक बार दोबारा चेक कर दें, लैंड ही थी ना, हाँ लैंड ही है, 30,000। इंटरप्रेस करिए, इंटरप्रेस करिए, कैश डाल के यहाँ से कंट्रोल ले करके सेव कराइए। ये एंट्री भी आपकी हो गई। अब हम 15वीं एंट्री की बात करते हैं। 15वीं एंट्री, फर्म पेड सैलरी 5,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 एंड बिल्डिंग रेंट 10,000। 10, 10, 20, 5, 25,000 रुपये पेमेंट करना है। तो यहीं पर आइए, सबसे पहले सैलरी कितना, 5,000, एंटरप्रेस करिए, बी दबाइए। इलेक्ट्रिसिटी बिल था शायद, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बिल्डिंग रेंट, तो यहाँ से हम ई दबाएंगे 10,000। फिर से बी दबाइए और यहाँ से बिल्डिंग रेंट 10,000 रुपये। 2 में कैश आएगा, अगर दिया नहीं किस माध्यम से पेमेंट किया है तो कैश ही रहेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट कैश मान के चलेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कराएंगे। ये हो गई आपकी एंट्री। तो अब हमारी 15 एंट्रियाँ हो चुकी हैं। 16वीं की बात करते हैं, फर्म परचेज्ड बिल्डिंग ऑफ 15 लैक्स टू सोबित बिल्डर्स, 5 लाख पेड बाय SBI चेक एंड 10 लैक्स प्रोमिस टू पे इन फ्यूचर। मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया है, हमने सोबित बिल्डर से 15 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, 5 लाख का पेमेंट कर दिया, 10 लाख बाद में देंगे। चलिए बनाते हैं एंट्री, ये कैसे बनेगी। तो यहीं से सबसे पहले तो बिल्डिंग खरीदिए, 15 लाख की है, इंटरप्रेस करिए। अब यहाँ पे 2 पे जाइए और 2 पे आपको क्या करना है, पार्टी का नाम सोबित। पहले तो कैश कितना दे रहे हैं आप, कैश सेलेक्ट कर लीजिए, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 5 लाख पेड बाय SBI चेक, SBI चेक से पेमेंट करना है 5 लाख, इंटरप्रेस करिए। फिर इंटरप्रेस करके आगे बढ़ जाइए और यहाँ से 2 पे आइए। अब यहाँ से आपको बनाना है सोबित बिल्डर्स, ठीक है, संडी क्रेडिटर होंगे आपके, कंट्रोल ले करके सेव कराइए। तो ये 10 लाख आप भविष्य में पे करेंगे, ये पड़ गई आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी में आ गया, कंट्रोल ले करके सेव करा दीजिए। अगला बोल रहा है फर्म से सोल्ड सेम बिल्डिंग ऑफ 15 लाख इन 20 लैक्स, ठीक है, टू राम किशोर अमन इंडस्ट्रीज़, जो 15 लाख वाली बिल्डिंग थी वो 20 लाख की बेची है। तो बिल्डिंग कितने की थी, 15 लाख की, और बेच कितने का रहा, 20 लाख का। इसका मतलब 5 लाख कमीशन हो जाएगा आपका, ठीक है, और पेमेंट कुछ रिसीव हो रहा है तो कुल मिला के रिसिप्ट में जाएगी एंट्री है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए ये एंट्री कैसे बनेगी। सबसे पहले आप रिसिप्ट पे जाएंगे, ठीक है, आप बिल्डिंग सेलेक्ट करेंगे 15 लाख वाली, तो 15 लाख ही डालिएगा, 1, 2, 3, 4, 5।
हिट टू दबाइए और यहाँ से आप कमीशन का बना लीजिए, कमीशन रिसीव्ड। ये क्या होगा आपका इनडायरेक्ट इनकम, कितना कमीशन खा रहे हैं आप, 5 लाख। टोटल प्राइस कितना हो गया अब इसका, 20 लाख, 15 लाख की बिल्डिंग और 5 लाख कमीशन, ठीक है। अब आपको इसमें कैश कितना मिल रहा है ये देख लीजिए, 10 लाख। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 10 लाख रिसीव्ड बाय कैश एंड 10 लाख वुड बी गिवन इन फ्यूचर राम किशोर अमन इंडस्ट्रीज, 10 लाख ये बाद में देंगे। तो मैं यहां से बनाऊंगा राम किशोर ये आपका जा जाएगा संडी डेप्टर, चूंकि बाद में हमें पैसे देंगे, कंट्रोल लेकर के सेव करा लेंगे। तो ये हो गई आपकी एंट्री, अगली एंट्री देखते हैं। चलिए तो हमने 17 एंट्रियां कंप्लीट कर ली हैं, अब हम 18वीं एंट्री की बात करते हैं। फर्म ने 10 लाख रुपए शोभित बिल्डर्स को दिए हैं, ठीक है, और 2 लाख डिपॉजिट किया है HDFC बैंक में। टोटल मिलाकर आप देखिए 10 लाख शोभित बिल्डर्स को दिए और 2 लाख बैंक में डिपॉजिट कर दिया, टोटल मिला के आपके जेब से 12 लाख रुपए गया, ठीक है। अब अगर कायदे से देखेंगे तो 2 लाख रुपए आपने HDFC बैंक में जमा किया है ये कॉन्ट्रा में जाएगा, ठीक है, और जो आपका शोभित बिल्डर्स को दिया है ये पेमेंट पे जाएगा। एक बार दोनों पेमेंट में डाल के देखते हैं, अगर नहीं जाता तो फिर हम अलग अलग करेंगे कॉन्ट्रा वगैरह में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, कितना पेमेंट करना है शोभित बिल्डर्स को, देखते हैं शोभित बिल्डर्स को कितना पेमेंट करना है, 10 लाख, ठीक है। यहाँ से हम इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, बी करेंगे, इंटर करेंगे और हम देखते हैं HDFC बैंक किसमें है, बैंक अकाउंट, ठीक है, हो जाएगा। तो हमें इसमें जमा करना है कितना, 2 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल जेब से कितना निकल जाएगा कैश आपके, 12 लाख, ये लीजिए। कई बार जो HDFC था आपका यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि पेमेंट में आप डाल रहे और HDFC आपका बैंक अकाउंट था, तो आप अलग अलग डालिए। अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, शोभित बिल्डर्स का 10 लाख 2 में कैश करके 10 लाख डाल देते और फिर कॉन्ट्रा में जाते बाय HDFC करके 2 लाख, पहले 2 में कैश आता बाय में HDFC आ जाता, तो वो कर लेते। अब मेरे में आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखेंगे हमारी 18 एंट्रियाँ हो चुकी हैं, 19 में फर्म ने परचेज की है 500 AC सीमेंट क्रेडिट पे राजू बिल्डर्स से और 200 JK वॉल पुट्टी, ये अलग अलग हैं, ठीक है। अमाउंट पेड बाय SBI चेक, यहाँ पे शॉप हेयर अमाउंट पेड बाय SBI चेक, यहाँ पे जो अमाउंट है वो SBI चेक में पे किया गया यहाँ पे, ठीक है। पहले वाले पे क्रेडिट पे रहेगा और दूसरी वाले पे पेमेंट हो रहा है, चूंकि यहाँ पे हेयर लिख दिया गया है, अगर हेयर ना लिखते तो दोनों में आ जाता वो। तो चलिए पहले वाली बनाते हैं हम यहाँ तक, AC सीमेंट कहते हैं राजू बिल्डर्स से। तो हम परचेस पे जाएंगे और राजू बिल्डर्स है यहाँ पे, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। खरीदना है या बेचना है देख लेते हैं एक बार, खरीदना है तो संडी क्रेडिटर, AC सीमेंट 500 बोरियां, एक बार और इंटर प्रेस करिए, इनपुट CGST, एक बार और प्रेस करिए इनपुट SGST, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए। ये लीजिए आपकी एंट्री हो गई। अब अगली वाली में क्या था, इस बार अमाउंट रिसीव कर रहा है, पे कर रहा है, सॉरी SBI चेक के रूप में राजू, ठीक है। 200 JK वॉल पुट्टी खरीदनी है महेश ट्रेडिंग शॉप से, 2105, और यहाँ से SBI चेक में पेमेंट होना है, चूंकि SBI है। अब यहाँ पे बनाइए महेश ट्रेडिंग शॉप, संडी डेप्टर,
ठीक है, जेके वॉल पुट्टी लेनी है 200। आई फिर से आई कंट्रोल एंड सेव। तो ये हो गई जाकर आपकी 19 एंट्रियाँ। अब 20वीं देखते हैं, फर्म ने सोल्ड किया है 300 बैग्स ACC सीमेंट, अमाउंट रिसीव्ड बाय SBI चेक एंड दैट मनी पेड टू राजू बिल्डर्स। 300 खरीदना है, बेचना है, सॉरी किसको बेचना है वो भी नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं डायरेक्टली डाल देते हैं, 300 ACC सीमेंट बेचना है। ठीक है, सेल पे जाइए, इस SBI में, एक SBI में ही है ना, हाँ SBI में ही है, कंट्रोल ए करके आगे बढ़ जाइए, नहीं दिया हुआ है तो कंट्रोल ए करके आगे बढ़ जाइए, सेल ACC सीमेंट 300। आउटपुट, फिर आउटपुट कितना एक बार देख लीजिए, चूंकि ये पैसा हमें देना है 1,30,560 रुपये। पेमेंट पे जाइए, राजू किसको देना है, राजू बिल्डर्स को 1,30,560 रुपये जो में कैश नहीं SBI, सॉरी चूंकि SBI में ही हमने पेमेंट लिया था, कंट्रोल एंड सेव। तो ये आपकी हो गई 20 एंट्रियाँ। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम 10-10 करके ही करेंगे, तो पहले यानी इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 10 एंट्रियाँ बताई थी और आज मैंने आपको 10 एंट्रियाँ बता दी। अब जो बची हुई हैं एंट्रियाँ 10 ही बची हुई हैं, इन 10 एंट्रियों को हम अगली वीडियो में देखेंगे और फाइनल में आपके साथ आंसर शीट भी शेयर करूंगा कि सारी एंट्रियों को पास करेंगे सीओएस GST के साथ तो टोटल जो बैलेंस शीट बनेगी जाके लास्ट में वो क्या बनेगी और स्टॉक समरी क्या दिखाएगा आपका। होप्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट जरूर कर दीजिएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।